नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं CDSL की, और CDSL के ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक कंप्लीट एनालिसिस दिया था, जिसमें आपको इसका प्राइस 1000 के करीब था, और मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है। अगर वहां से देखें तो आपको अब तक लगभग 300 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी भी इस स्टॉक के बारे में नहीं समझा है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए और कहाँ तक इसमें तेजी बनी रह सकती है और क्या ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों CDSL इंडिया की डिपोजिटरी कंपनी है और एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, और इस समय इनका जो मार्केट में वैल्यू है बहुत ही ज्यादा हाई है, और साथ ही साथ दोस्तों 4 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट अब इनके पास लिस्टेड हो चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक टाइम ये था जब कंपनी मार्केट में आई थी, तब आपको पता है कि NSDL के पास आपको ज्यादा अकाउंट देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब CDSL के पास सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं। और वहीं इस समय जो ये प्राइस तेजी की तरफ भाग रहा है बहुत ही तेजी से, पिछले 5 दिनों में 30% का रिटर्न, जो कि अमूमन आपको सिर्फ ऑपरेटर वाले स्टॉक्स में देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहां पे ऑपरेटर्स की वजह से नहीं, यहां पर रीजन ये है कि जो इस समय IPO आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े IPO मार्केट में देखने के लिए मिले हैं, इसका भी मेन रीजन है। साथ ही साथ मार्केट में अब नए इन्वेस्टर बहुत तेजी से आते जा रहे हैं, नए नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और यही वजह है कि इसका डायरेक्ट फायदा CDSL को मिल रहा है। और इनके पास लगभग 600 के करीब जो ब्रोकरेज फर्म है लिस्टेड हैं इनके पास, तो जितने भी उनके यहाँ अकाउंट ओपन होते हैं वो इनके पास अपने अकाउंट आपके खुलवाते हैं, जो कि आप देखिए इनडायरेक्ट तौर पे आपका अकाउंट CDSL में ही ओपन हुआ होता है। और यही रीजन है इस स्टॉक का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आप बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो आप देखेंगे इससे पहले अगर आप यहाँ इस प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट करते या फिर इस प्राइस में, ये बेहतर प्राइस था। लेकिन अब देखें तो बेशक स्टॉक में आपको और तेजी देखने को मिले, लेकिन अब दोस्तों यहां से थोड़ा ये ओवर वैल्यू में पहुंच चुका है स्टॉक। और वहीं पी की बात करें तो 72 के पी पे अब ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपके मन में अगर कोई मलाल ना रहे तो आप इसमें छोटा सा अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में एवरेज करने का आपको इंतजार करना चाहिए अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म का एक मूड लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। और अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो फिर फैसला आपके अपने हाथों में होना चाहिए क्या आपका नजरिया है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे हैं, इन्वेस्टिंग करना सिखा रहे हैं, और ट्रेडिंग के लिए आपको स्पेशल ग्रुप में आना पड़ेगा, तभी आप वहां से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। CDSL में अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में, तो 6 महीने में स्टॉक किस तरह से आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिया है, 167% का रिटर्न, जो कि आप देखेंगे 500 रुपये के करीब ही स्टॉक आपको मिल रहा था, और वहां से किस तरह का इसमें तेजी आई है। और इसका साफ सीधा रीजन यही है कि मार्केट में जितने ज्यादा अकाउंट ओपन होंगे, जितनी ज्यादा IPO आएंगे, जितनी कंपनियां नई लिस्टेड होंगे, जितने नए लोग ट्रेडिंग करेंगे, और खासकर जितने भी ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, उसमें CDSL का और भी ज्यादा फायदा यहां पे मिलने वाला है। और यही चीजों को आपको समझना चाहिए। आप चाहे तो इसका कंप्लीट एनालिसिस चैनल पे CDSL की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्या इसका फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलता है। अब वहीं स्टॉक में देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है, चार्ट आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बड़े लेवल पे डिलीवरी उठाई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर को देख करके पैसा लग रहा है। तो क्या आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या आपने हमारे सजेशन के बाद इन्वेस्ट किया है, कंप्लीट आप बात कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।